दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिससे लगातार नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं ब्राउन शुगर प्रतिबंधित पत्ते अल्फ़ज़ोलाम और इस्पा स्मोक के साथ चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत 4 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं आरोपियों से इस गौरव धंधे से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। शहर के कई युवा इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसका लगातार सेवन करते हैं। आज दो प्रकरण है। एक प्रकरण है कि मोहन नगर थाना क्षेत्र में 16 ग्राम जो है ब्राउन शुगर और 3000 से ज़्यादा गोलियां, नशे की गोलियां जब्त की गई हैं, जिसमें कि अल्फ़ज़ोलाम, ट्रामाडोल, डाइसाइक्लोमिन की गोलियां हैं। इस चार लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ज़्यादातर लोग इन ड्रग्स को खरीद के खुद भी इस्तेमाल करते थे और बेचते भी थे। इनसे पूछताछ में मालूम चला है कि इनके तार जो हैं नागपुर से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक लोकल